Assalamu alaikum students. So students kali hum kal wala topic yaad karne ke liye kal hum padhe the interaction of radiation with matter. Kafi lengthy topic hai hamare paas, log question bhi aa sakta hai. Kal humne general baat ki thi ke kis tarah ki interaction hogi radiation mein, uske baad humne alpha aur beta particles ki baat ki thi. Aaj hum further do jo hai radiations ki baat karenge. Sabse pehle hamare paas aa rahe hai gamma rays. Gamma rays hamare paas basically baat kar lete hain gamma rays hoti hai, ye bahut important hai iski properties kyunki aapne pehle nahi padhi. गामा रेज आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, फोटोन्स की फॉर्म में होती है। सबसे पहली बात इसमें हमारे पास क्या होगा, वेरी लिटिल आयनाइजेशन, क्योंकि आयनाइजेशन बहुत कम आयनाइजेशन करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होती है, ठीक है, इनका मास भी कम होता है क्योंकि फोटोन्स की फॉर्म में होती है, इनकी आयनाइजेशन बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है, अल्फा से भी और बीटा से। उसके बाद आ गया फोटोन जो है, अब इसके हमारे पास फोटोन की फॉर्म में होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरेक्ट करती है तो जाहिर सी बात है पेनिट्रेट भी करेंगे, तो इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अंदर तक ये पेनिट्रेट करती है गामा रेज, तो इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी कंज्यूम कैसे होती रहती है, हमने उधर पढ़ा था ना, उसकी आयनाइजेशन में कंज्यूम होगी, उसकी पेनिट्रेशन करते करते बीटा पार्टिकल के, इसमें क्या होता है इसके फोटोन जो है वो रिमूव होते रहते हैं, पहले तो वो स्कैटर कर जाएंगे बीम हमने एंटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उस बीम से कुछ फोटोन अब्सॉर्ब कर लेंगे एटम और कुछ हमारे पास क्या हो जाएंगे स्कैटर हो जाएंगे, तो इस तरह इनके हमारे पास फोटोन खत्म होते जाएंगे और इनकी एनर्जी क्या होती रहेगी कम होती रहेगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो इंटरेक्शन है गामा रेज की वो तीन तरह से हो सकती है, या तो वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, या क्वांटम इफेक्ट करेंगे, या वेव प्रोडक्शन करेंगे, या हमने पहले पढ़ा हुआ है रेडिएशन के इंटरेक्शन है मैटर के साथ, तो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, जब इनकी एनर्जी 0.5 MeV से कम होगी तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, या इनकी एनर्जी 0.1 MeV के दरमियान में होगी तो ये हमारे पास क्या करेंगे क्वांटम इफेक्ट करवाएंगे, और जब इनकी एनर्जी 1.2 MeV से ज्यादा होगी तो ये वेव प्रोडक्शन करवाएंगे। ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 19 में डिटेल से पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा इसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है इसके फोटो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंटेंसिटी कहेंगे, तो इसकी इंटेंसिटी कब कैसे होती है एयर में इनवर्स स्केल के साथ डिपेंड करती है, यानी इसका जो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस अंदर कर रही है उसके स्केल के इनवर्स के साथ इसकी इंटेंसिटी क्या होती रहेगी कम होती रहेगी, यानी जितना ज्यादा ये अंदर जाती जाएगी उतनी इसकी इंटेंसिटी क्या होती रहेगी कम होती जाएगी स्केल और डिस्टेंस के साथ। तीसरा सॉलिड में हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिके करती है, ये आई नॉट हमारे पास ओरिजिनल इंटेंसिटी थी, जैसे हमने उसको मेटल के ऊपर फाल किया तब जो उसकी इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी, ऐसा हमारे पास वो डिस्टेंस है जितना उसने अंदर ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस वो मेटल के अंदर गया उसको हम एक्स बोलेंगे, और म्यू हमारे पास वो है डिकेइंग कांस्टेंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट है हमारे पास डिकेइंग इंटेंसिटी का, और ये भी फ्लोरेसेंस जो होती है प्रोड्यूस करते हैं, इसमें फ्लोरेसेंस इफेक्ट आता है, जैसे ये मेटल के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग के ऊपर हमने कल सारा बताया था फ्लोरेसेंस क्या होती है, और इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास इफेक्टिव लेंथ के ऊपर ही मेजर की जाती है कि किस लेंथ तक इसका जो सा था वो इफेक्ट आया वहां तक हमारे पास जो सा वो हमारे पास क्या होगा इसकी लेंथ होगी, ठीक है, और स्ट्रेट पाथ ये नहीं होती है, हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है मैटर के अंदर जाने में। उसके बाद हमारे पास आए थे न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की इंट्रैक्शन क्या है, सबसे पहले तो इनकी आयनाइजेशन एबिलिटी होती है ये बहुत कम आयनाइजेशन करवाती है, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है और बहुत कम आयनाइजेशन भी इंटरैक्ट करवाती है, इंटरैक्टली आयनाइजेशन करवाती है, इंटरैक्टली आयनाइजेशन बेटा ये कैसे करवाती है कि ये किसी ऐसे मटेरियल के साथ उसी मटेरियल में आयनाइजेशन करवाएंगे जिनमें हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम से क्या करेंगे ये प्रोटोन को नॉकआउट करवा देंगे, ठीक है बेटा, ये तो ये प्रोटोन को नॉकआउट करवा के आयनाइजेशन करवाती है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा के नहीं करवाती, तो इसलिए इनडायरेक्ट आयनाइजेशन भी कहते हैं हाइड्रोजन की मौजूदगी में। इनकी रेंज बहुत ज्यादा इनकी रेंज होती है, बहुत ज्यादा अंदर तक ये जाती है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पेनिट्रेशन का एबिलिटी बहुत ज्यादा अंदर तक जाती है, इसलिए इनकी रेंज क्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अब न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन भी करना होता है तो हम ऑर्डिनरी मटेरियल से भी स्लो डाउन नहीं कर सकते, हमारे पास ये तब तक स्लो डाउन नहीं होगी जब तक ये उन न्यूक्लियस से स्ट्राइक ना कर जाए, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन से तो ये स्लो डाउन नहीं होने वाली, इनका मास ज्यादा होने की वजह से न्यूट्रॉन्स है तो इसलिए हमारे पास ये डायरेक्टली और न्यूट्रल पार्टिकल भी है, इसीलिए हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो से है वो न्यूक्लियस के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, यही वजह है कि अगर हमने न्यूक्लियस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो न्यूट्रॉन्स की बीम भी या गामा रेज भी जो से है वो क्या करते हैं यूज करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन इससे है कि हाई स्पीड के ऊपर न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, न्यूक्लियॉन्स के साथ कोलाइड कर देते हैं, न्यूक्लियॉन्स को ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उनके साथ कोलाइड करके हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस भी ये डिटरमिन करने में हमारे पास हेल्पफुल है, तो ये उन्हीं के साथ जिन एटम्स का साइज कंपेयरेबल है न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन के साइज के साथ उन्हीं के साथ जो है इनको हम क्या कर सकते हैं स्लो डाउन कर सकते हैं। अच्छा बेटा ये हमारे पास जो है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन इज मैटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने दो वीडियोस में बनाया है, मैंने कहा था कि एक दिन सारा समझा दो बच्चों के दिमाग में वगरना तो आपने वीडियो देखनी है जितने मर्जी मिनट की बना दे, इसलिए मैंने दो दिन में किया है ताकि आप लोग जो है इसे आसानी से क्या कर सकें कैप्चर।
कर सके। अब फर्दर हमारे पास लास्ट में टेबल बना होगा, आप लोगों की बुक्स में टेबल बना होगा, उसमें उन्होंने अल्फा बीटा गामा और उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेंशन की हुई है। तो वो टेबल आपने लास्ट में देख लेना और तैयार करना है, और साथ में साथ आपने इन सब की असाइनमेंट